Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो भाई, आप लोग टाइटल में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि मैं आप सबसे बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉन्कॉक्शन यानी कि ड्रिंक शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप सब अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। जो भी मोटे हैं, जिसको भी ओबेसिटी की शिकायत है, वो सारे लोग इस ड्रिंक को पीकर वेट लूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मैंने अपने आप पर ट्राई किया हुआ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है और यकीन मानिए बहुत ही तेज़ी से वेट लूज़ होता है। आप बहुत हल्का फील करते हैं इसको पीकर, और जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, उनकी भी शिकायत दूर हो जाएगी अगर आप इस ड्रिंक को पीएंगे। मैं तो इस ड्रिंक को मैजिकल ड्रिंक कहती हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो इस ड्रिंक को मैं रोज़ाना लाजमी अपने रिजीम में, अपने रूटीन में शामिल करती थी, पीती थी। 3 से 4 दफ़ा आप पी सकते हैं, निहार पेट पर पी सकते हैं यानी कि एम्प्टी स्टमक पर आप पी सकते हैं, और आफ्टर एवरी मील तो आपको पीना ही पीना है। और ख़ास तौर पे अगर आपने बहुत ही हैवी कुछ खा लिया, जैसे अगर आपने चीट डे किया है, डाइट कर रहे हैं आप और आपने चीट डे किया है उस दिन, या फिर आप किसी शादी वगैरह या दावत में चले गए तो वहाँ कुछ हैवी खा लिया, तो घर आकर इसको पी लीजिए, आप बहुत लाइट फील करेंगे। और इसमें, इसको पीने से ना आपकी सारी चर्बी ख़त्म हो जाती है, एक्स्ट्रा फैट जो आपने इनटेक किया है आपके मील में, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत अच्छे से दूर हो जाता है, क्योंकि इसको पीने से ना डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, मैं तो इसको मैजिकल ड्रिंक ही कहती हूँ, क्योंकि ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इस तरह के रेनी सीज़न में पीने से या फिर विंटर्स में पीने से जो है ना, बहुत ही सूदिंग भी रहता है, स्पेशली थ्रोट के लिए, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप सबके सामने हैं, और कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, हर किचन में मौजूद होते हैं, तो आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। तो सबसे पहले यहाँ है जी 1.5 गिलास पानी यानी कि 300 ml पानी, 1 teaspoon सफ़ेद ज़ीरा, 1 teaspoon जो है हमारे पास साबित धनिया, और 1 teaspoon बारीक सौंफ। बस यही 3 इंग्रेडिएंट्स है और इसी से ही हमारी मैजिकल ड्रिंक बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, मैंने पैन स्टील का लिया ताकि आपको मैं बता सकूं कि मैं क्या डाल रही हूं और कैसे कैसे बना रही हूं, ताकि आप सबको क्लियर नज़र आए। तो पैन में मैंने पानी को शामिल कर लिया और पानी को मैं थोड़ा सा बॉईल होने दूंगी पहले। और यहाँ देखिए जनाब, पानी होने लगा है थोड़ा सा गर्म। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे और तब इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैं जो है ना मिक्स कर दूंगी, क्योंकि हमें सारी चीज़ें इकट्ठे ही तो डालनी है, तो क्यों ना पहले ही मिक्स कर दे। चलिए जनाब, यहाँ पर मैं तीनों चीज़ों को एक ही बोल में मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से आप इसको पहले से ही मिक्स करके रख सकते हैं। एक अच्छा सा क्यूट सा जार ले लें और उसमें सारी चीज़ों को एक ही क्वांटिटी में मिक्स करके रख लें। यानी कि अगर आपने 50 ग्राम सौंफ लिया है तो धनिया और ज़ीरा भी 50 ग्राम्स ले लें और अच्छे से मिक्स करके एक अच्छे से एयर टाइट जार में इसको मिक्स करके रख लें शेल्फ में, और ये काफ़ी अरसे तक, महीने 1.5 महीने तक चलता है, और ये ख़राब होने वाली चीज़ें तो वैसे भी हैं ही नहीं। तो अगर ये रेडी होगा तो आप जल्दी जल्दी, जब दिल करेगा, आप ये कॉन्कॉक्शन बना,
जब तक मैं आपको ये समझा रही थी, यहाँ पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी और इस पानी को अच्छे से पकाऊँगी, जैसे इस वक्त मैं आप सबका दिमाग पका रही हूँ। ठीक है ना? तो इस पानी को कब तक पकाना है? 300 ml का पानी था हमारा, तो इसको 200 ml तक होने तक हमें पकाना है, तकरीबन आधा होने तक। ठीक है ना? देख रहे हैं आप, बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। इसमें एक लाइट येलोइश कलर आ जाता है, जो सौंफ वगैरह ज़ीरा है उसका कलर जो है एक्सट्रैक्ट निकलता है। उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। अच्छा जी, यहाँ देखिए पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और 5 से 7 मिनट आई थिंक गुजर चुके थे और पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं अपना चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको छान कर आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली जनाब ये हो गया था रेडी और इसको मैंने छान कर 2 क्यूट से कप्स में निकाल लिया और अब इसको हम रिलिश करेंगे, हम पियेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले हमने बिरयानी खाई थी और उसके एक्स्ट्रा फैट को, उसके जो भी चर्बी है उसको पिघलाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। और अगर किसी ने ट्राई किया है और आपको उससे इंशाल्लाह अगर फ़ायदा हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर कुछ और कॉन्कॉक्शन आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, जो इफ़ेक्टिव भी है, जो सेफ़ भी है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, चाहे वो वेट लॉस के ताल्लुक से हो या कोई दूसरी चीज़ के लिए जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह के लिए, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। डू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।